Assalamu alaikum. Good afternoon, guys. Today we are going to start our new lecture and our subject is curriculum adaptation. From this subject, we are going to start lecture number 2. Before going to start the topic, I would like to discuss the learning objectives for this lecture. The first objective that we will achieve, that we will follow by listening this lecture, that you will be able to understand the needs and characteristics of curriculum. Understand the needs and characteristics of the curriculum. And keep one thing, guys. That keep one thing in your mind, guys, that we will discuss both both of these things, needs and characteristics, separately. In this way, we will be able to understand the topic more comprehensively. So hum log sabse pehle start karenge 1.2 hamari course outline ke mutabik, need and characteristics of curriculum. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. जिस तरह हम लोग सीख रहे हैं कि हमने एक स्पेशल एजुकेशन टीचर कैसे बनना है, हमने एक प्रोफेशनल ऑफ स्पेशल एजुकेशन कैसे बनना है, तो करिकुलम का एक जो मखसूस पैटर्न है, अगर वो आपके सामने सेट किया जाए और इसमें से आपको बहुत बेहतरीन निकालने का कहा जाए, और ये जहन में रखें कि करिकुलम के अंदर जो भी एक एरिया होता है उसका अपना एक रोड मैप होता है. और अगर इस मटेरियल की लेंथ को देखा जाए, ये बहुत ज़्यादा अहम है कि हमें करिकुलम डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत प्रोफेशनल, जब अपना बेस्ट देना होता है, एक प्रोफेशनल जो अप्रोच है वो हमने शो करनी होती है. यकीनन एज अ टीचर क्लासरूम में हमें एक थोड़ी सी आज़ादी होती है कि हम चीज़ों को ज़रा यूनिक अंदाज में लेकर के जा सकते हैं, लेकिन जहन में रखें कि करिकुलम हमारे लिए एक ऐसे कंपास की हैसियत रखता है कि जिसकी मदद से हम राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं. और इसके लिए हम इन चार रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कि करिकुलम के लिए एक असासा समझे जाते हैं. नंबर वन, हम ये देखेंगे कि करिकुलम की इम्पोर्टेंस क्या है, करिकुलम की नीड क्या है. अ स्टडी ऑर्गेनाइज्ड पाथ, करिकुलम जो है वो हमारे लिए एक स्टडी और ऑर्गेनाइज्ड पाथ के तौर पे लिया जाता है. क्योंकि हमारा करिकुलम, हम जान चुके हैं, हमारा जो करिकुलम है वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज है और ये एक रोड मैप है हर सब्जेक्ट के लिए. तो इस वजह से करिकुलम को एक डेप्थ स्टडी के तौर पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर टीचर के लिए. दूसरे नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोग्रेस. एक जो बेहतरीन तैयार शुदा जो करिकुलम होता है वो इस चीज़ का रेफरेंस होता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि टीचर राइट ट्रैक पे मूव हो रहे हैं. चाहे किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक क्यों ना हो या कॉम्प्लेक्स स्किल क्यों ना हो जो हमने अपने स्टूडेंट्स को सिखानी हो, तो वो करिकुलम उसमें अहम किरदार अदा करता है.
तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉमन गोल्स। हर सब्जेक्ट एरिया के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट गोल होता है एक टीचर के लिए, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होते। वो जो गोल्स होते हैं जो टीचर ने सेट किए होते हैं, वो टीचर्स के लिए भी होते हैं। हमने करिकुलम में इसलिए गोल सेट आउट किए होते हैं जो कि हम एक साल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, और हमारे स्टूडेंट के गोल ये हैं कि जो उनको उस एक साल में सीखने की ज़रूरत होती है। सो हम नेक्स्ट अपना नंबर फोर पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑलवेज चेंजिंग। और फाइनली जो करिकुलम है वो हम सब के लिए वर्थवाइल होता है और हमारे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होता है, क्योंकि ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। करिकुलम को हमेशा रिविजिटेड किया जाता है, रिविजिट इसका किया जाता है और इसको अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम इन अ ईयर, जिससे बच्चे की जो करंट नीड्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और इसी तरह सोसाइटी का जो रिलेशन है वो भी शो होता है। सोसाइटी के अंदर जो स्टूडेंट का किरदार है या टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी करिकुलम में उसका एक अक्स नजर आता है, रिफ्लेक्शन नजर आती है। ये रिजल्ट्स या ये जो अपडेट्स हैं या ये जो चेंजिंग है करिकुलम के अंदर, जो कि हमेशा मैंने जैसे पॉइंट बताया ऑलवेज चेंजिंग का, ये हमेशा ये उस वक्त पॉसिबल होते हैं जब एक रिसर्च कंडक्ट की जाती है, और इस सब का फायदा हमारे स्टूडेंट को होता है और वो तमाम स्किल्स बच्चा सीखता है जिसकी उसे आज के दौर में जरूरत होती है। सो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन एनहांसिंग टीचिंग एंड लर्निंग। एक और जो पॉजिटिव जो इंपॉर्टेंट जो शिफ्ट है जो करिकुलम में है वो ग्लोबल सिटीजनशिप है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं कि कैसे एग्जिस्ट करना है और कैसे कंट्रीब्यूट करना है ऐसी दुनिया में, ऐसी वर्ल्ड में जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज है। इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात की जा रही है, ग्लोबल इश्यूज सबको इफेक्ट करते हैं। और ये ग्लोबल इश्यूज जो सबको इफेक्ट करते हैं, बाज़ का किसी को डिफरेंट मैनर्स में मुख्तलिफ तरीके, लेकिन करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से भी इफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से हम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमारा एक दूसरे से कनेक्शन या कम्युनिकेशन हो सकती है, और ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो हमसे पहले जो जितनी भी जनरेशंस गुजर चुकी हैं वो इससे फायदा नहीं उठा सके। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना रोल परफॉर्म भी कर सकते हैं, अपना रोल रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और इस जर्नी का, इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि इस ग्लोबल कम्युनिकेशन में अपनी एक अहमियत रखता है। और ये सारी चीजें इस वजह से हैं कि जो करिकुलम है उसको रेगुलरली रेगुलर ग्राउंड्स पे उसको चेंज होना चाहिए,
और इसको एक बुनियादी ज़रूरत के तौर पे लिया जाना चाहिए जिसकी बेस पे हमारे टीचिंग मेथड बेस करते हैं। करिकुलम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने से हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा टॉप पे ही रख सकते हैं, और ये अपने स्टूडेंट्स को टॉप पे लाने का मकसद या टॉप पे लाने का तरीका ही यही है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को जो डिमांड के मुताबिक जो स्किल्स हैं वो सिखाएं। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर का, एक स्टूडेंट का एक कंप्यूटर के हवाले से नॉलेज या उस कंप्यूटर के हवाले से इस्तेमाल उसको आना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा एक टीचर इंगेज करेगा, जितना ज़्यादा स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा वर्क प्रेशर क्रिएट करेगा, उससे स्टूडेंट की लर्निंग होती है। ये बेसिक स्किल्स हैं, या ये भी कहा जा सकता है एक स्टूडेंट के लिए राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाना डिफरेंट एक्टिविटी है, सिखाना डिफरेंट एक्टिविटी है, और स्टूडेंट से वो कोई भी काम करवाना एक डिफरेंट एक्टिविटी है। अगर हर स्टूडेंट टीचर की तरफ से दिए गए काम को सिर्फ इस नज़र से देखे कि इससे मेरी लर्निंग होगी, तो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट होती रहती है, और इसी को कहा जाता है लर्निंग, और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है जो सारी जिंदगी काम आती है। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड करिकुलम। ये मंदरजा जैल हैं जो करिकुलम के गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, इट शुड फास्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। जो स्किल्स या एटीट्यूड जिनकी ज़रूरत होती है, उनकी जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो बड़ी फास्टर होती है करिकुलम वजह से। नंबर टू, इट शुड नॉट बी नियरली कंसीव्ड बट डायनेमिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग, सैम्पल एडिक्वेटली बोथ द साइंटिफिक कॉन्टेंट एंड द एबिलिटीज ऑफ द प्यूपल्स टू द डेवलपमेंट। करिकुलम मुस्तकबिल के हवाले से गाइड करे, करिकुलम के अंदर एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डायनामिक करिकुलम होना चाहिए, उसके अंदर इतने डिफरेंट एरियाज होने चाहिए जिन सब एरियाज का जो इफेक्ट है वो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी पे होना चाहिए। चाहे वो कंटेंट साइंटिफिक क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो फायदा है वो स्टूडेंट को होना चाहिए। और इस ये करिकुलम एनवायरमेंटल सपोर्टेड भी होना चाहिए, ये वो एनवायरमेंट होता है जिसमें वो स्टूडेंट रहता है। नंबर थ्री, इट इज टेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू रिसर्च। ये जो करिकुलम होता है इसको बार बार टेस्ट किया जाता है, और अगर चूंकि हम कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो ये तो चूंकि इंसान के अपने हाथ की बनी हुई है, इस वजह से इसको बार बार इम्प्रूव होने की ज़रूरत होती है, और इसको बार बार इम्प्रूव किया जाता है करिकुलम को। नंबर फोर, इट शुड एम अबाउट एंड इंटेलिजेंट एंड इफेक्टिव एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट इटसेल्फ। एनवायरमेंट के साथ जो करिकुलम है वो स्टूडेंट को एडजस्ट करता है, और ये इसका एम होता है, और ये जो एडजस्टमेंट होती है ये इंटेलिजेंट होती है, मतलब लॉजिकली होती है, रीजनेबल होती है। एक पढ़े लिखे माहौल में, एक एजुकेटेड एनवायरनमेंट में एक बच्चा एजुकेशन ही सीखेगा, और एक बुरे एनवायरनमेंट में बच्चा कुछ ना कुछ बुरा ही सीखेगा। तो करिकुलम का काम है एक अच्छा ऐसा इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना जिससे बच्चे की इफेक्टिव एडजस्टमेंट हो सके। नंबर फाइव, इट शुड बी साइकोलॉजिकली साउंड। ज़हनी तौर पे ये करिकुलम बच्चे को मजबूती अता करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने अपनी हैबिट्स अच्छी करनी है, अगर आपने अपनी सोच अच्छी करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, तो अपनी आदत अच्छी कर लें, हैबिट्स अच्छी कर लें, ये वही बात है। नंबर सिक्स, इट शुड प्रोवाइड सफिशेंट स्कोप फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स। एक अच्छी स्किल्स का एक बेहतरीन स्कोप इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। नंबर सेवन, इट मस्ट बी मोस्टली
बेस्ड अपॉन द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द प्यूपल्स ऑल द सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ द ह्यूमन लिविंग. बच्चे के लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि बच्चे के लिए वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो. और ये जो एक्सपीरियंस है इसका ताल्लुक इंसान की लाइफ से होना चाहिए. जो इंसान का रहन सहन होता है, चाल ढाल होती है, उससे इसका ताल्लुक होना चाहिए. ये जो पॉइंट्स हैं ये आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं. इन पॉइंट्स को मैं खुद भी चाहूँगा कि आप एक अच्छे तरीके से समझें, एक्सप्लेन करें, थोड़ा फिलोसफिकल वे में इसको करके चलेंगे ताकि इससे आपके जो माइंड है वो एक्टिव हो और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर हो. और यहाँ पे ये भी है कि यकीनन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं अगर आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, चाहे वॉइस नोट बना के सूरत में शेयर करें या फिर राइटिंग करके करें एक्सप्लेन, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, यूज़फुल होगा क्रिएटिव राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर टुडे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क प्लीज़. यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कॉमेंट बॉक्स और यू कैन आस्क द क्वेश्चन एट माई व्हाट्सएप नंबर एज वेल. So I hope that you will have the good learning. Thank you very much. Take good care.